Do you want to excel in maths and science? If your answer is yes, then let me tell you, go ahead with Infinity Learn courses. And to get best discounts, subscribe right now. The link is given below in the description box. Hello everyone, welcome to my channel. So I have a good news for you. Let me tell you that my channel Diya Educates is now collaborated with Infinity Learn. So now the content is going to be more and more, amazing, and it will, I hope, will bring more good results. So today I'm going to take up a topic, obviously from class 10th science, and it is from chapter transportation circulatory system. अब आपको पता है हमें एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह पे हमें हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मूवमेंट बेसिकली. अब उस मूवमेंट के लिए आपको एक जगह से जब दूसरी जगह जाना है तो आप कुछ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का यूज करते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रॉड, तो मैं अब्रॉड कैसे जाऊंगी? ऑब्वियसली थ्रू एन एरोप्लेन. तो एरोप्लेन जो है वो मेरा एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जो मुझे इंडिया से अब्रॉड ले जाएगा. सेम वे हम स्कूटर्स, कार, शॉर्ट या लार्जर डिस्टेंसेस के लिए यूज करते हैं. अब सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बॉडी में जो चीज जहां बन रही है वहीं पे उसका यूटिलाइजेशन हो. लेट से अगर कोई चीज बॉडी में यहां बन रही है और उसका यूटिलाइजेशन यहां हो रहा है, तो उसको हमें यहां से यहां ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना. सो दैट इज वाई ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी में भी होता है, एनिमल बॉडी में भी होता है. और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अब हमारे अंदर तो व्हीकल्स नहीं होते, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमारा मेन जो कंसर्न रहेगा वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड से रहेगा, और उसके अंदर हम कवर करेंगे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड इट्स टाइप, एंड ऑफ कोर्स प्लेटलेट्स. So what we are waiting for, let's quickly get started and learn about it. अब आपने देखा होगा कि जब लोग हम लोग कोई शार्प चीजों के साथ काम कर रहे होते हैं, या बचपन में जब हम खेलते थे, तो ऐसा पक्का हुआ होगा कि आपकी कोई फिंगर प्रिक हो गई होगी. या सिर्फ फिंगर नहीं, कई बार खेलते हुए जब हम भागते हैं, गिर जाते हैं, तो हमारे नी पे भी चोट लग जाती है, या कहीं पे भी आपकी बॉडी में चोट लगती है और आपका स्किन रप्चर हो जाता है थोड़ा डीप. तो आपने देखा होगा कि एक रेड फ्लूइड है जो ऊज आउट होता है, राइट? देयर इज अ रेड फ्लूइड विच ऊजेस आउट व्हेन आवर स्किन गेट्स पंचर्ड. यस, यू आर राइट, दिस रेड फ्लूइड इज नन अदर देन ब्लड, एंड यही हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है. तो ब्लड के अंदर क्या है, क्या चीजें प्रेजेंट है, उनके क्या क्या फंक्शंस है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाना पड़ेगा उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग. तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर है सर्कुलेटरी सिस्टम. एक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, हमारी बॉडी में दो सर्कुलेटरी सिस्टम है. वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अदर इज लिम्फैटिक सिस्टम, राइट? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फैटिक सिस्टम. अब इनके अंदर, चाहे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है चाहे लिम्फैटिक सिस्टम है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड. क्या होता है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है. अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वो फ्लूइड है ब्लड जो चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, कैरी कर लेता है और फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है. और लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर वो फ्लूइड है लिम्फ, येलो कलर्ड फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, विच डिजोल्व द थिंग्स इन इट एंड ट्रांसपोर्ट. और आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन गैसेस का भी होता है, हॉर्मोन्स का भी होता है, न्यूट्रिएंट्स का भी होता है, मतलब जो भी चीज आपकी बॉडी के अंदर बन रही है वो सबका ट्रांसपोर्टेशन होता ही है. तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड के बारे में. अब ब्लड जो है, अभी तक आपको पता है कि ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है ना? और कब ऊज आउट होता है? जब आपकी स्किन कभी भी डीप पंचर होती है. अब वो ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता कैसे है, क्योंकि उसको हेड में भी जाना है, उसको आर्म में भी जाना है, इवन इस फिंगर टिप तक भी आना है, उसको लेग तक भी जाना है, उसको आपके फीट के थंब तक भी जाना है. तो मतलब आप हर जगह उसको जाना है. तो ऑब्वियसली इट इज पंप्ड बाय अ मस्कुलर वॉल्ड पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड एज हार्ट.
इट इज पंप बाय अ मस्कुलर वॉल पंपिंग ऑर्गन हार्ट. अब अकेला हार्ट सिर्फ पंप कर देगा ब्लड को तो वो नहीं फैल पाएगा पूरी बॉडी के अंदर. सो देयर आर ब्लड वेसल्स विच कैरी इट टू ऑल पार्ट्स. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये हार्ट हो गया आपके पास और हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को. ठीक है, देखो ब्लड ऊपर भी जा रहा है, हेड में, साइड में भी जा रहा है, लोअर पार्ट में भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है. लेकिन यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है, देखो उसके कलर में डिफरेंस है. एक मैंने रेड ब्लड शो किया आपको और एक मैंने ब्लू ब्लड शो किया आपको. तो रेड ब्लड यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्योर ब्लड, या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कॉन्टेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्टेंट कम होता है. एंड सेम वे ये जो ब्लू है, दिस इज इम्प्योर और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. उसको आप क्या बुलाओगे, इम्प्योर या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड इट इज अ काइंड ऑफ ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्टेंट कम है, तभी तो ये इम्प्योर है. और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्टेंट क्या है, ज़्यादा है. आई होप दैट्स राइट, फाइन विद यू. सो रेड फ्लूइड पंप बाय हार्ट, ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ब्लड ऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड. सो लेट मी टेल यू, आपका हार्ट, आपका ब्लड वेसल्स और सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड, ये तीनों मिलकर बनाते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो चलिए हम जानते हैं कि जो ब्लड है, जो रेड कलर फ्लूइड ऊज आउट होता है, उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है. तो ब्लड जो ऊज आउट होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स. डोंट गेट कन्फ्यूज, डोंट गेट नर्वस, मैं इसको अभी सिंप्लीफाई कर दूंगी और आपको सब समझ आ जाएगा. और ब्लड सेल्स हमारे कौन कौन से, RBC, WBC और प्लेटलेट्स. और WBC का ये आगे फर्दर डिवीजन है एज बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईजनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. सो लेट्स बिगिन विद प्लाज्मा फर्स्ट. अब प्लाज्मा दिखता कैसे है, देखिए अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, दिस येलो कलर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. दिस येलो कलर्ड फ्लूइड विच यू कैन सी इज प्लाज्मा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अब ये बना किस चीज से है, 90% तो इसके अंदर वाटर ही है. 90% इट हैज वाटर इन इट. और 10% इसके अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. मतलब जो भी चीज़ें ब्लड को ट्रांसपोर्ट करनी है, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब इसी के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो लेट्स सी, अगर मैं कहूँ कि ये प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के अंदर ये सब चीज़ें, इवन प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स भी इसी के अंदर है. अब क्योंकि इसके अंदर वाटर, ये सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, दैट इज द रीजन इट एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम. इट एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर ब्लड सेल्स. मतलब अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो ये जो ब्लड सेल्स हैं ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके सर्वाइव करने के लिए इनका जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फुलफिल्ड बाय प्लाज्मा. सो प्लाज्मा एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम. तो अगर कोई आपसे पूछता है प्लाज्मा के बारे में तो आप बता सकते हो, येलो कलर्ड फ्लूइड, 90% वाटर, 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा, वट एवर इज ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड इज देयर इन इट. And that is the reason it acts as a nutritive medium. Means it provides nutrition to the blood cells present in it. अब blood cells, जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास main तीन तरह के blood cells हैं, RBC, WBC और platelets. और ये कहाँ होते, अगर ये आपके पास plasma है तो इसके अंदर ही ये cells present है. ठीक है, और इस plasma के बिना ये cells survive नहीं कर पाएंगे. तो RBC के बारे में पढ़ते हैं हम, रेड ब्लड सेल्स. अब देखो नाम से ही, नाम पढ़ते ही काफ़ी चीज़ें आपको पता लग जाती है. रेड ब्लड सेल्स, नाम से ही पता लग रहा है कि इट इज़ रेड इन कलर. अब अगर आप ध्यान से सोचो कि जो लिक्विड ऊज आउट होता है आपके जहाँ से भी स्किन पंचर हो जाती है, उसका कलर, ब्लड का कलर ही रेड है, तो आप सोचो कितने सारे RBCs होंगे कि उन्होंने कलर ही ब्लड को रेड दे दिया. सो दे आर न्यूमरस इन नंबर, बहुत सारे हैं. मतलब सारे ब्लड सेल्स में से सबसे ज़्यादा नंबर RBC का है. एंड इट यू विल बी एक्साइटेड टू नो कि ये जो RBC है, ये आपकी बॉडी का सबसे छोटा सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है. अब एक और चीज़ की, रेड क्यों है? अब सेल तो और भी है बॉडी में, बट वो कोई पर्पल येलो तो है नहीं.
सो वाई आर बी सी इज रेड, लेट मी टेल यू, आर बी सी इज रेड क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, वो इसको कलर देता है, राइट. जैसे ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो प्लांट को ग्रीन बनाता है. सेम वे यहाँ पे आर बी सीज के अंदर रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो सेल को रेड कलर दे रहा है, ओके. और ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ये किससे बना होता है, इसको सरप्राइज रहने दो, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. तो आर बी सीज का शेप की बात कर लेते हैं. आर बी सीज इस तरीके से होते हैं, दे आर डिस्क लाइक, दे आर डिस्क लाइक. अब किसी भी सेल के अंदर क्या चीज़ होता है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट. लेकिन ये एक ऐसा सेल है किसके अंदर, और न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस भी होता है, हाउ कैन आई मिस दैट. तो आर बी सी एक सेल, ऐसा सेल है जिसके अंदर ना तो न्यूक्लियस है. अब अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो एक सेल दूसरा सेल कैसे बनाएगा, इसका मतलब आर बी सी का सेल अपने में से एक और सेल नहीं बना सकता, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी. माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पावर हाउस ऑफ सेल, वो भी नहीं है इसके पास. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, मीन्स स्केलेटल फ्रेमवर्क भी नहीं है. तो है क्या इसके पास, सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन. सो इसीलिए इस सेल को हम इनकम्प्लीट सेल कह देते हैं. क्या कह देते हैं, इनकम्प्लीट सेल, क्योंकि इसके अंदर ये चीजें लैक करती है. अब हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे थे, आरबीसी के अंदर आरबीसी रेड इस करके हैं क्योंकि उनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. अब हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन, जिसे क्लोरोफिल मैग्नीशियम से बना होता है, आई होप आप सबको पता है. ऐसे हीमोग्लोबिन आयरन एलिमेंट से बना होता है. सी एलिमेंट्स आर सो इंपॉर्टेंट, सो एज केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट. तो हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, आयरन से बना होता है. और हीमोग्लोबिन होता क्यों है या इसका काम क्या है, इसका काम है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना. अब आपको पता है हम सब इनहेल करते ऑक्सीजन और एक्सहेल करते कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब हमने इनहेल कर ली ऑक्सीजन, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ गई. बट रेस्पिरेटरी ट्रैक से वो हर बॉडी सेल में कौन लेकर जाता है उसको, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड. अब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन क्या करता है, उन गैसेस के साथ बाइंड कर लेता है और बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लाइक ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लाइक कार्बिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है. और इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, तो यू शुड बी क्विक विद द आंसर, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन. हाउ, बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, लाइक इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, कार्बिनो हीमोग्लोबिन व्हेन इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इफ इन केस वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, देन इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद इट ऑल्सो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, विच इज अ डिफेक्टिव कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण आपको सफोकेशन होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इवन यू नो दैट गैस कैन बी फेटल टू यू, इट कैन लीड टू योर डेथ, ओके. एक हीमोग्लोबिन के अंदर ना बच्चे चार आयरन प्रेजेंट होते हैं. अब अगर एक हीमोग्लोबिन के अंदर चार आयरन होते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर सकता है. सो इट कैन ट्रांसपोर्ट फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि एक आयरन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है. तो एक हीमोग्लोबिन, चार आयरन, चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ओके. नाउ वेयर आर आरबीसीज फॉर्म्ड, आरबीसी बनते कहाँ हैं, सो लेट मी टेल यू. इन्फैंट्स, बहुत छोटे बच्चे जिनकी बोन्स डिवेल्प ही नहीं होती है, बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, क्यूट से बच्चे होते हैं, उनके अंदर आरबीसीज बनते हैं स्प्लीन में. स्प्लीन इज अ पार्ट, यू कैन सी दैट जस्ट नियर टू लिवर, इसके अंदर बनते हैं. और अडल्ट्स के अंदर ये कहाँ बनते हैं, बोन्स में, क्योंकि बोन्स आर डिवेल्प्ड इन अडल्ट्स. और बोन्स के अंदर कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में, मीन्स इन द कैविटी ऑफ द बोन्स, ओके. अब जो सेल्स इनको बना रहे हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स. देखो नॉर्मली कभी भी जब कोई सेल बनता है, तो पहले सेल बड़ा होता है साइज में, ठीक है, फिर उसके अंदर सब मटेरियल रेप्लिकेट होता है, फिर वो डिवाइड होता है, जब उससे नए सेल्स बनते हैं, फिर वो नए सेल्स क्या काम करेंगे, उस अकॉर्डिंग उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मतलब उनका डिफरेंशिएशन होता है, सेल डिफरेंशिएशन एज पर डिवीजन ऑफ लेबर, कि वो क्या काम करने वाले हैं. तो यहाँ जब स्टेम सेल्स बन गए, तो उनके अंदर
स्टेम सेल से ही आपके पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बन रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने क्या काम करना है उस अकॉर्डिंग उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिवेल्प हो रहे हैं. तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, दे आर फॉर्म फ्रॉम कॉमन स्टेम सेल्स. तो आरबीसी बोन मैरो में बनते हैं, अडल्ट्स में, इन्फेंट्स में बनते हैं, स्प्लीन में, और कितने दिन जी सकते हैं. जैसे हमारा लाइफ स्पैन तो फिक्स नहीं होता है ना, लेकिन सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो ऑलमोस्ट हमें पता भी है और थोड़ा फिक्स रेंज ही होता है, अप्रोक्सीमेट फिक्स ही होता है. तो आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 days. और आरबीसी को आप एक और नाम से बुला सकते हो, दे कैन बी कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स. दे कैन बी कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट. साइट का मतलब होता है सेल, एरिथ्रो इज अ स्पेशल नेम, सो इट बिकम्स एरिथ्रोसाइट्स. So with this, we have come to an end of this explanation about composition of blood. I hope आपको समझ आ गया होगा सब जो भी मैंने समझाया. So I want you to, you know, share this video with your friends also. So if you like it, hit the like button, share the video with your friends. More and more sharing. Sharing is caring, okay? And you can share it more and more. And if you haven't subscribed to my channel, then just subscribe it right now. So thank you. Take care. Bye-bye. Have a nice day. We'll meet in another video with some interesting topic.